उत्तराखंड का सियासी घमासान तेज हो गया है क्योंकि बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह अल्मोड़ा पहुंचे और परिवर्तन रैली को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने रावत सरकार पर जमकर निशाना साधा। उत्तराखंड का सियासी घमासान हुआ तेज। अमित शाह ने रावत सरकार पर बोला हमला, कहा कांग्रेस की सरकार हटाओ तभी प्रदेश में विकास होगा। अगले साल उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, लिहाजा पहाड़ों में चुनावी पारा चरम पर पहुंच चुका है। इसी के चलते बीजेपी प्रदेश के तमाम शहरों में परिवर्तन यात्रा रैली निकाल रही है। इस रैली के तहत अल्मोड़ा पहुंचे बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने हरीश रावत सरकार पर कई हमले किए। रावत सरकार पर अमित शाह का पहला हमला सुनिए। हरीश रावत सरकार जिस तरह से 5 साल चली है, उत्तराखंड का विकास नहीं हो सकता। हर चीज में घपला घोटाला, हर चीज में भ्रष्टाचार। अमित शाह यही नहीं रुके, अमित शाह के तेवर कड़े थे, लिहाजा शाह ने कहा कि हरीश रावत ने उत्तराखंड को बर्बाद कर दिया है, इसलिए प्रदेश से कांग्रेस की सरकार हटाओ तभी प्रदेश में विकास हो पाएगा। उखाड़ कर फेंक दीजिए हरीश रावत की सरकार को और उत्तराखंड के विकास की नई शुरुआत कीजिए। नरेंद्र मोदी की भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, नीचे भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना दीजिए, देखते देखते हम उत्तराखंड को देश का सबसे समृद्ध राज्य बना देंगे। मित्रों, सबसे समृद्ध राज्य। जहां अमित शाह ने रावत सरकार पर हमला बोला, तो दूसरी तरफ शाह ने नोटबंदी का भी मुद्दा उठाया और कहा कि मोदी सरकार के फैसले कर राहुल गांधी, ममता बनर्जी, मुलायम सिंह यादव और अरविंद केजरीवाल परेशान हैं। अब राहुल बाबा का मुंह देखिए, परेशानी दिखाई पड़ती या नहीं दिखाई पड़ती, जरा हाया ना बोलिए भैया। मुलायम के, मायावती के, केजरीवाल के, मित्रों सबके सब परेशान हैं। 7 तारीख को कहते थे मोदी जी काले धन के लिए आपने क्या किया, अब कहते हैं मोदी जी काले धन के लिए ऐसा क्यों किया, ये क्या से क्यों क्यों होगा। मित्रों चिंता उनको होती है जिनके पास अरबों खरबों रुपया काला धन अपने बंगलों में पड़ा। आपको बता दें कि उत्तराखंड में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं। बीजेपी सत्ता परिवर्तन के लिए भरपूर कोशिश कर रही है, इसलिए पार्टी ने उत्तराखंड में रैली करने के लिए और जनता को लुभाने के लिए दिग्गज नेताओं को मैदान में उतारा है। ऐसे में परिवर्तन यात्रा के जरिए बीजेपी उत्तराखंड में सत्ता परिवर्तन कर पाती है या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, के न्यूज। अल्मोड़ा में हुई अमित शाह की रैली में बीजेपी के दिग्गज एकजुट दिखाई दिए। सभी नेताओं ने नोटबंदी के फैसले को अभूतपूर्व फैसला बताया। वहीं उन्होंने प्रदेश की रावत सरकार पर जमकर निशाना साधा। इस दौरान सांसद रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा कि नोटबंदी से केवल भ्रष्टाचारी और काले धन वाले चिंतित हैं और जिस तरह नोट बैंकों में जमा हो रहे हैं और गंगा में बहाए जा रहे हैं, उससे भ्रष्टाचारियों में खौफ पैदा हो गया। रावत जी पहले अपनी पार्टी की बात करें, काफी परेशानी में है वो लोग, अब वो स्वयं परेशानी में है। इस देश में कोई चिंतित नहीं, जो बीमार है वो चिंतित है। बाकी जो 500 और 1000 के नोट बंदी से आम जनता बहुत खुश है, भक्षक भक्षक बन जाते हैं तो राज्य की स्थिति बड़ी बिगड़ जाती है। तो कैग की रिपोर्ट भी आ गई है, कैग की रिपोर्ट में बात स्पष्ट हो गई है, यहाँ पर पोषाहार के अंदर, हेलीकॉप्टर के अंदर बड़ा बड़ा घोटाला हुआ है और पूरी कैग की रिपोर्ट उसको पुष्टि कर रही है।